ये देखो, ये वेकेशन पे भी आकर आदमी पुशअप करता है। एम्बापे की औलाद हो क्या? एम्बापे की औलाद हो क्या? और ये जवाब भी नहीं देता। यही है हमारा रिश्ता, मैं बोलती रहती हूँ और ये जवाब भी नहीं देता है। हेलो गाइस, तो हम लोग रेडी हो गए हैं। ये हमारे आउटफिट्स देख लो। ये मैंने बैंकॉक का जो 100 बाट का बैग लिया था वो ले लिया है, और कितने क्यूट दिख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा क्राबी एक्सप्लोर करेंगे और फिर आप लोग से मिलते हैं। बाय। बाय बाय। ज्यादा पीसफुल है, मतलब एकदम ओशन के साइड है हम, और ओशन के साइड आप जा रहे हो बढ़िया, और ओशन के दूसरे साइड मार्केट है, और इतना ज्यादा अच्छा है। मतलब ये इतना बिजी एरिया है कि देखो ट्रैफिक भी है पूरा प्रॉपर। और देखो आओनांग इधर का बेस्ट एरिया है टू स्टे एट, तो अगर आपको रहना है कहीं तो आओनांग ही रहो। और किसी ने ये कितना खूबसूरत सैंड कैसल बनाया, ये देखो आप, सो सो ब्यूटीफुल। कौन सा है बीच पे आप मंकीज देख रहे हो, या मंकीज बैठे हैं और मंकी ट्रेल है ऊपर, और ये आप सीढ़ियां चढ़ते हो और मंकीज के पास में से जाते हो। गाइज क्या एक्सपीरियंस है ये हम जा रहे हैं ऊपर फायर शो होते हुए। गाइज ये देखो आप, ये बीच है और यहाँ पे फायर शो हो रहा है। हम लोग ने ऐसे खड़े होके फायर शो देखा, कॉफी क्लब पे कॉफी पी। वो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम लोग ने कहा कॉफी तो बार बार ही पीते रहते हैं, क्या रिकॉर्ड करें। उसके बाद हम लोग गए क्राबी के वीकेंड नाइट मार्केट है। गाइज यहाँ का क्राबी नाइट मार्केट है आओनांग से कोई 20-30 किलोमीटर दूर है। ये ओनली वीकेंड पे लगता है, और अभी हम एंटर हो रहे हैं। देखकर तो बहुत क्यूट लग रहा है। ये देखो, ये कुछ सुवेनियर्स ले जाने हो लोगों के लिए घर पे, बहुत क्यूट क्यूट चीजें। अभी देखते हैं फिर आपको बताती हूँ मैं। और ये यहाँ पे की कवर मिल रहा है, देखो ये वो की अंदर चली गई और बाहर, और ये नाम लिख कर दे रहे हैं। मतलब देखो कितना क्यूट है, 60 बाट का है, मतलब अपन को 200 रुपए का पड़ा, बहुत ज्यादा क्यूट है। देखो इतनी क्यूट क्यूट चीजें इनके नाइट मार्केट में। ये पासपोर्ट मिल रहा है, ये पासपोर्ट कस्टमाइज करा सकते हैं। ये बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, इतना ज्यादा क्यूट क्यूट सामान है, मैं पागल हो रही हूँ। भाइयों और बहनों मुझे पकड़ो। गाइस ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, ये सो फ्लावर्स हैं क्राबी के, ये देखो। और वो खुद बनाती हैं, ये वो बोल रही हैं कि मैं खुद बनाती हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो सो ब्यूटीफुल। देखो आप, वो कार्व कर रही हैं अपने, सो प्रिटी। गाइज मैं पागल हो गई हूँ, बनिया का पर्स हो रहा है खाली, मैंने सब ले लिया है, मैं पागल हो गई हूँ। आप चीजें देखो, इन सब चीजों पे ये लोग आपका नाम लिख के दे रहे हैं, वो नाम लिखेंगे आपके लिए, पर्सनलाइज करेंगे और वो आपको दे देंगे। मेरा बस चले मैं सब ले लूँ, इतना क्यूट है, इतना क्यूट है। अगर आप क्राबी आओ तो वीकेंड पे ही आओ, ये नाइट मार्केट वीकेंड पे ही होता है, आना ही है। बनिया दो मुझे। अरे बनिया दे दे, पैक कर रहे हैं। ये देखो गाइज, ये मोबाइल स्टैंड्स हैं और गुल्लक हैं, और ये देखो आप कितने क्यूट तरीके की बनी हुई हैं। ये देखो, ये पूरा हैंडमेड है, ये हम लोग ने दो खरीदा है, एक मेरे और एक वर्धन के साइड के लिए, वो पैक करेंगे अभी। ये
क्रेजी नाइट मार्केट है, आप मानोगे नहीं, मैंने ये सही में इस बनिए की दुकान साफ करा दी है। मैं पागल हो गई हूँ क्राबी नाइट मार्केट में, इतना ज्यादा मजा आ रहा है क्राबी नाइट मार्केट में। ये लाइव कैरिकेचर बना रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने कितना ज्यादा क्यूट बनाया है, इतना ज्यादा। ये वो कपल है जिनका बनाया है, और इतना ज्यादा अच्छा बनाया है इन लोगों ने। ये देखो, ये नाइट मार्केट की झलक देखो आप। हम लोग ने तो अभी तक सिर्फ शॉपिंग की है, और मैं पागल होए जा रही हूँ। अभी मैं पता नहीं क्या क्या खरीद लूंगी। वो अभी सामने हमारा कैरिकेचर बना रहे हैं, और मैं उनको देख के हंसे जा रही हूँ, तो वो भी मुझे देख के हंसे जा रहे हैं। वो हमारा कैरिकेचर बना रहे हैं, ये लड़का, इसको लग रहा है कि अब इधर स्माइल करेगा तो ये क्यूट आ जाएगा। इसको नहीं पता ये जैसा है वैसा ही आएगा। बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, अभी जैसा बनेगा मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारा बनाते हुए आई थिंक वो फाइनल टचेस दे रहे हैं अब हमारे स्केच को, और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये सब हम लोग को देख रहे हैं, और जो भी निकल रहा है ना वो बस देख के हंस रहा है। तो अभी मुझे पता तो पता नहीं है क्या बनाया है, अभी हम देखते हैं, आपके साथ ही अनरावल करेंगे। थैंक यू गाइज। यहाँ का खाने पीने और अंदर का साइड, मैंने इतनी सारी चीजें बाय कर ली। आप यूजुअली ना मेरे को मतलब मुझे बड़े ब्रांड्स और इन सब का इतना शौक नहीं है जितना छोटी छोटी चीजों का शौक है। तो इतने सारे मैंने पाउचेस ले लिए, भगवान जाने मैं 18-20 पाउचेस से क्या करूंगी। ये बैग ले लिया है, छोटे छोटे मैग्नेट्स ले लिए हैं, कम से कम 30-35 तो मैंने मैग्नेट्स उठा लिए हैं, उससे ज्यादा ही उठा लिए होंगे। और ये आप देखो यहाँ पे कितनी वैरायटी की चीज़ें मिल रही हैं यार, कितनी ज़्यादा। तो हमेशा जब भी आप कोई नई कंट्री में आओ ना, लोकल लोगों को बहुत सपोर्ट करो। तो इससे क्या, इन लोग को मोटिवेशन भी मिलता है, और अपन लोग भी ना 100 रुपये में जो एक चीज़ लेते हैं वो 3 चीज़ भी ले पाएंगे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये देखो, ये मेरा बेबी। आओ खाएं, आओ खाएं। क्या खाओगे, घर जाके कॉफी पिला दूं होटल वाली? आप भी घर जाके, अब सारे पैसे खत्म हो गए हैं, आप होटल की कॉफी पी लो। कुछ तो छोड़ा ही नहीं मिलने। देखो देखो कहाँ भागने में लगी हुई हो यार, नीचे तो देखो। चलो आगे और शॉपिंग। कुछ खिला दे यार, अभी बाद में पहले शॉप कर। 10 रुपए का खिला दे, 10 का खाएंगे 100 का खिलाऊंगी। वाह यार वाह, कितने क्यूट वॉफल्स, फिश की शेप के वॉफल्स बनाए हैं इन लोगों ने, इतना ज्यादा क्यूट है। बेबी ये खा लो। क्यों नहीं, हर चीज में क्या, ये खा लो, ये तो तुम्हारा फेवरेट है, श्रिम्प स्क्विड वगैरह खा लो, कितना अच्छा सा है। देखो वो खा लो, देखो 5 रुपए में कुछ मिल रहा है, इधर आओ 5 रुपए में खिलाती हूँ। ये हम लोग अपना बर्गर खा रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 20 baht का एक छोटू सा बर्गर है। बचपन की एकदम नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ गई, हम लोग के बचपन में स्कूल के पास मिलता था जहाँ मैं और वर्धन पढ़ते थे, और इतनी प्यारी सी फीलिंग आ गई ये बर्गर देख के। और आप देखो, एक इतनी सी चीज़ को भी कितने प्रॉपरली पैक करके देते हैं ये लोग, और इतना अच्छा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इतनी अच्छी पैकिंग करते हैं। तो जो खाने की बात होती है ना, उसकी बात ही मतलब क्या हो जाती है। ये देखो, थैंक यू कोपन का, थैंक यू। खा पी के मस्ती करके हम लोग फिर होटल जाके सो गए गाइस। होप करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय।